नमस्कार, एक और बड़ी खबर आपके सामने जो कि हरियाणा के बहादुरगढ़ से आ रही है। इस घटना ने पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ा दी है, हर किसी की आंखें नम हैं। ये बहुत ही बड़ी दर्दनाक घटना है जिस पर सोते हुए मजदूरों पर एक भारी भरकम ट्रक तेज रफ्तार से उनके ऊपर चढ़ गया, सभी को कुचलते हुए अंत में जाकर वो भी लुढ़क गया। चलिए देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। यदि पहली बार आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर ताज़ा खबर आप तक जरूर पहुंचेगी। दरअसल मामला हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर हुआ है। जानकारी के अनुसार कुंडली मानेसर पलवर पर असोदा टोल के आसपास सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। यहां पर सड़क की रिपेयरिंग की जा रही है, जिसमें काफ़ी मजदूर सड़क रिपेयरिंग का काम करते हैं। देर रात तक सड़क रिपेयरिंग का काम करने के बाद थक कर सभी मजदूर खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद खा पी कर वो सड़क के किनारे अवरोधक लगाकर सो जाते हैं। ऐसे में उन्हें क्या पता कि सुबह उनके साथ बहुत बड़ी घटना घटित हो जाएगी। करीब सुबह 5:30 बजे के आसपास एक तेज रफ्तार से ट्रक आता है। वो ट्रक अनियंत्रित होकर अवरोधक को भी दोस्तों तोड़ देता है। अवरोधक को तोड़ते हुए वो 14 मजदूर जो कि सड़क के किनारे पर सो रहे थे उनके ऊपर चला जाता है। उनको कुचलते हुए अनियंत्रित होकर वो ट्रक भी पलट जाता है। लेकिन जानकारी के अनुसार इन मजदूरों में 3 मजदूरों की तो मौके पर ही जान चली जाती है, वहीं 11 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भेज दे दी है। घायलों में से 10 को उपचार के लिए रोहतक PGI भेजा गया है, जबकि एक घायल का इलाज बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन इस घटना ने सभी को चौंका दिया है। वो मजदूर जो कि दिन भर काम करते हैं, रात को भी देर रात तक काम करते हैं, उनको ये नहीं पता कि सुबह उनके साथ बहुत बड़ी घटना को अंजाम मिलेगा। आखिरकार इस ओवरलोड ट्रक की वजह से इस घटना को अंजाम मिला है। एक तो ओवरलोडिंग और दूसरे से तेज रफ्तार की वजह से ये अनियंत्रित हो गया और अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे सो रहे 14 मजदूरों पर दोस्तों ये चढ़ गया। उनको कुचलते हुए ये बाहर निकला और आगे जाके ये भी पलट गया। हालांकि मौके पर ही जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं वो फरार हो गए हैं। उनकी भी दोस्तों चोट आई है, लेकिन इस घटना की वजह से वो भी वहां पर रुक नहीं पाए। चलिए देते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।